हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से निफ्टी का कैसे कोई परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल एक चीज वर्डिंग गलत हो गई थी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज नहीं जबकि कल है क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाली, तो थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पे एक चीज देखो, आज मार्केट ने हमने जो लेवल्स बनाए थे यहाँ पे, पहला हमारा सपोर्ट लेवल इमीडिएटली था, उसके बाद में ये था। तो निफ्टी ने तो बिल्कुल यहाँ से मतलब एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया और ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम दिया यहाँ। और आज मतलब देखो, बजट से पहले ना मार्केट दोनों तरफ के मोमेंटम दे रहा है, मतलब वोलेटाइल मार्केट इसको ही कहते हैं क्योंकि दोनों तरफ के मोमेंटम मिलते हैं, वोलेटाइल मार्केट चलता है पूरा अच्छा खासा। आज ये था। और आज रीजन देखो, हम बैक टू बैक यहाँ पे एचडीएफसी की बात करते हैं, कल परसों डेली यहाँ पे बात करें, और आज एचडीएफसी बैंक ने जो लो बनाया ना वहीं पर से वापस उसने अच्छा खासा रिवर्सल लिया और उसकी वजह से वापस बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया और फिर सेंटीमेंट भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव आते हैं। जैसे जैसे मतलब वो ग्रीन होता है तो फिर लोगों को लगता है बस वहाँ से मिसिंग हो जाएगा फिर लेने में, तो वापस से डिप में फिर बाइंग होना शुरू हो जाती है इसे में, और फिर धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी होती है इसे में, क्योंकि जो एफएनओ के शेयर्स होता है अगर वहाँ पे कोई पुट लेके बैठा हुआ है इसे में वो भी एक्ट करेगा इसमें ऐसे में, तो चीजें वहां से मोमेंटम अच्छे आते हैं। तो एचडीएफसी का चार्ट भी हम देखेंगे यहाँ पे, पहले निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में यहाँ से अच्छा मोमेंटम दिया, पूरा अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ तक दिया इसने, मतलब कोई ऐसा कोई नेगेटिव दिखाई नहीं बीच में। फिर यहाँ अगर वो सेलिंग आई इसमें इस जगह के आसपास, फिर यहाँ डिप लिया, मतलब इस तरीके से पूरा मोमेंटम वोलेटाइल रहा मार्केट, और मतलब दोनों तरफ की मोमेंटम दिए कॉल और पुट साइड के। और अभी यहाँ क्लोजिंग दिए, क्लोजिंग के यहीं पर 21478 हमारा यहाँ पे एक रिजेक्शन का लेवल है, तो इसी रिजेक्शन को हम कंसिडर अभी भी करेंगे यहाँ पे कल के लिए। और सपोर्ट लेवल जो आएगा यहाँ पे थोड़ा उसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे इसमें, ये वाला और ये इस जगह के यहाँ पे, बाकी कोई ज्यादा नीड नहीं है, ये इस जगह को भी ये कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट में, ये वाला यहाँ पे 2100 इसका जो आगे के लिए, मतलब कल परसों कभी भी अगर आता है यहाँ पे तो ये सपोर्ट करे काम करेगा यहाँ पे, और अब काफी अच्छे यहाँ पे सपोर्ट लेवल बेस लेवल बन जाएगा यहाँ पे। अगर ये ब्रेक करके नीचे होता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती, एक बार मैं डेली टाइम पे दिखाता हूँ, क्योंकि देखो इसने मार्केट ने एक रिकवरी कर ली यहाँ से आज, तो ये अच्छी बात है। अब जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करता हम नेगेटिव यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश में करना नेसेसरी यहाँ पे पोजिशनल वे में, इंट्राडे में अलग बात है मौके मिलते तो वहाँ ठीक है, बाकी पोजिशनल वे व्यवस्थित उसको शॉर्ट मत करना वहाँ पे, जब उसको लो ब्रेक करे वहाँ पे उसका और सस्टेन करे तब भी वहाँ पे शॉर्ट करना है। और यहाँ देखो इस जगह पर ये अब रिजेक्शन लेवल पहला ये 21478, उसके बाद 21541 का, फिर 21614, 663, 720 ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारे लिए आगे के लिए यहाँ पे निफ्टी में। और इधर की तरफ अगर वापस सपोर्ट मिलता है नीचे आता है यहाँ पे, तो ये सपोर्ट के लेवल में यहाँ पे 21386, 306 ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे सपोर्ट के इसमें ऐसे में, और बाकी अगर कोई चेंज करने की नीड है नहीं। अब एचडीएफसी का हम चार्ट देखते हैं यहाँ पे, ये देखो इसने जो गैप डाउन करा था इसमें पहले भी यहाँ पे इसने गैप डाउन के वहाँ पे पहली कैंडल इतनी पॉजिटिव बनी वहाँ पे पूरा पूरा मार्केट में ऊपर इसको लेके चली गई, उसके बाद फिर अच्छा खासा ऊपर मोमेंटम दिया, सस्टेन भी करा, सबसे अच्छी बात है सस्टेन करा ऊपर पे, अब कोई सेल करने का नहीं होएगा। देखो एक चीज सबसे पहले मेन चीज देखो, कंटिन्यू इतने दिन से यहाँ पे चला जा रहा है वो, और यहाँ पे आके ये अब कहीं ना कहीं तो उसको ब्रेक लेगा, इसने पहले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया यहाँ पे इसने निकल गया, उसके बाद आपस जो सपोर्ट लेवल थे ये इधर की तरफ आसपास के थे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, इसने रिवर्सल लिया यहाँ पे। तो ये कल मैंने कहा था SIP के लिए इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना चाहता है तो बाइंग के लिए अच्छे मौके हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें एक बार देख सकते हैं। अभी भी कुछ ज्यादा कुछ महंगा नहीं हुआ, अगर अभी भी चाहे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर चाहते हैं तो देख सकते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल था वो वाला था हमारा ये लेवल, बिल्कुल हमने लास्ट की बनाया था 44524 का लेवल था, इसके नीचे देखो अगर जाता तो फिर हमने बहुत सारे लेवल्स बनाने का था नहीं सब कुछ, क्योंकि ये मेन सपोर्ट लेवल यही था, तो इससे यहाँ से उसने अच्छा खासा रिवर्सल लिया और ऊपर बैक टू बैक अच्छा मोमेंटम देता गया यहाँ पे। और अब हम इसको यहाँ पे एक बार शिफ्ट करते हैं क्योंकि ये आज की जो डे हाई है वो हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे हमारे रिजेक्शन। अब कल के लिए देखो क्या हो सकता है ना यहाँ पे कि ये पहला इमीडिएट हमारा रिजेक्शन लेवल आता है वो ये आएगा यहाँ पे इसे गेट यहाँ पे 45161 का, अगर यहाँ से निकल जाता है मोमेंटम देखे तो फिर 45427, 45660, 45900 का लेवल आराम से देख सकता है इसमें यहाँ पे, कल की एक्सपायरी भी है और कल फिर स्टॉक्स के भी मोमेंटम होंगे वो उनकी भी एक्सपायरी है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना जो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं अच्छे खासे उनमें थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेक लग सकता है कल टेम्पररी एक आध दिन के लिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी अगर उससे पहले, वैसे तो आज भी हो जाती है एक दिन पहले दो दिन पहले, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, या फिर जो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं कंटिन्यू गिरे हुए थे तो उनमें देखो एक आध दिन पहले मोमेंट आता है एचडीएफसी बैंक में आ जाएगा मोमेंटम, क्योंकि कंटिन्यू गिरा हुआ था। अब जिन्होंने भी शॉर्ट करा हुआ ना वहाँ पे तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ गई इसमें, तो जिनका कल का होगा पोजिशन रहते हैं उनका वो वहाँ पे एग्जिट करेंगे इसमें प्रॉफिट बुक करके, तो ऑटोमेटिक वहाँ से रिवर्सल आता है इसमें। तो अभी ये नहीं कि हो सकता है एचडीएफसी बैंक और गिर जाए, लेकिन ये एक्सपायरी से रिलेटेड जो एक मोमेंटम इस तरीके से आते हैं तो कल ध्यान रखना बैंक निफ्टी का है, तो सारे शेयर्स का भी इंपैक्ट पड़ेगा कल निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे, तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल इस तरीके का रह सकता है। और लेवल्स में अगर यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पे आते हैं तो 44890, 44710 का लेवल आएगा और फिर 44524, हम इसी लेवल को कंसिडर करेंगे अभी कल तक के लिए,
इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो उसमें थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कंडीशन आने के लिए। चाहे तुम एक बार देख लेते हैं क्या दिख रहा है लेवल्स थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाके। देखो जैसे ये लो है यहाँ पे, इसे के आसपास मेन तो जो लेवल है ना ये 44,429 का, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस जगह पर, क्योंकि इस जगह पर देखो कई बार मल्टीपल टाइम इसने पहले भी ये वाला लेवल इस जगह यहाँ, तो 44,405 तक का हम लेवल हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ये लेवल पर हमेशा ध्यान रखना, ये लेवल रहेगा इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। और बाकी अब हम देखते हैं फिनिफ्टी में, फिनिफ्टी में क्या लग रहा है इसमें, बाकी ज्यादा चेंज करने की नीड है नहीं, यहीं पर इसने क्लोजिंग दी है कल की जो वापस थी, तो प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट वही बन गया वापस से। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के लिए। सीएनएक्स फाइनेंस में देखो यहाँ पे इसने एक लो बनाया, फिर वापस कैंडल तो मतलब सबकी सेम रही है, मतलब पहली कैंडल के साथ ही पूरा मोमेंटम गया। यहाँ पे गैप डाउन हुआ ओपन, नीचे ओपन कहाँ होता है देखो, ये ओपन होता है 19,902 पे, हाई लगाया 20,070 का, मतलब एक ही कैंडल में अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। फिर निफ्टी की अप्रोक्स 182 पॉइंट की कैंडल बनी थी यहाँ पे ये वाली, तो काफी अच्छा मोमेंटम आया था इसमें। और उसके बाद फिर इसने जो लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे ये बनाया नया प्राइस एक्शन इसमें देख, अब ये देखो कल के लिए, कल यहाँ पे हमें पहला जो इमीडिएट रिजेक्शन आएगा इस जगह के आसपास आता है, और तो फिर डे हाई उसको कंसिडर करना, बाकी जो बना हुआ है तो ठीक है, हम ज्यादा कुछ चेंज इसमें हम नहीं कर रहे यहाँ पे, और डे हाई को बस यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, डे लो को सॉरी ये वाले लेवल को इस जगह को, बाकी कोई ज्यादा चेंज करने की नीड है नहीं ऐसे में यहाँ पे इसमें, कल ध्यान रखना। बाकी मंथली एक्सपायरी है, और अभी जैसे बजट पास आएगा प्रीमियम भी महंगी हो रही है, मार्केट वोलेटाइल होगा, वो बजट के दिन लास्ट ईयर आपने देखा हो नोट करा हो तो मार्केट धुन धस के बड़े बड़े घूमते रहता है ऐसे में, और कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी बनती है कि छोटे मोटे स्टॉपर्स तो वो आराम से मुंह निकाल देता है ऐसे में, तो उस चीज का ध्यान रखना कि 30-40 पॉइंट के एसएलपी, 50 पॉइंट के एसएलपी मार्केट एकदम से निकाल देगा, पता नहीं पड़ेगा ऐसे में, थोड़ा सा उस चीज को लेकर ध्यान रखना। अगर उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो 2-5 दिन ट्रेड अवॉइड कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल खत्म करने से अच्छा है कि पैसा बचा के रखो आगे काम आएगा फिर से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।